शुगर हाई ब्लड प्रेशर व तनाव किडनी रोग की मुख्य वजह। विश्व किडनी दिवस के अवसर पर गाजीपुर तराहा स्थित डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव के आवास पर राम कुमार गिरिजा देवी मेमोरियल ट्रस्ट मऊ के सौजन्य से गुर्दा रोग कारण एवं निवारण विषयक जन जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए जिला अस्पताल मऊ की महिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव ने कहा, मैं डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव, महिला होम्योपैथ चिकित्सा अधिकारी जिला अस्पताल में। किडनी दिवस पे क्या करना चाहेंगे? किडनी दिवस पे मैं यही सचेत करना चाहूँगी कि बहुत ही तेजी की संख्या से किडनी के रोगी बढ़ रहे हैं और इसका सारा श्रेय जो आजकल का जो भाग दौड़ वाली जीवन शैली है, खान पान पर उचित ध्यान न देना, अत्यधिक नमक का सेवन, ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, ये सब किडनी के रोगों को जन्म दे रहा है। 60% की स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्या कारण है जो इतनी तेजी से फैल रहा है? हार्ट के रोगी इसलिए भी बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि आजकल जो है बहुत ज्यादा तले हुए भोजन या स्वाद पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। हर चीज में बस स्वाद की अहमियत ही खोजी जा रही है। स्वाद की अहमियत के चलते भोजन की जो पौष्टिकता है उसके ऊपर ध्यान कम है, जिसके चलते फास्ट फूड का चलन बढ़ा है और तेल मसाले की जो मात्रा अब प्रयोग होती है, नमक की जो मात्रा प्रयोग होती है, वो ब्लड प्रेशर को हाई करती है। अगर ब्लड प्रेशर नियमित तौर पे अगर हाई बना रहे तो वो निश्चित तौर के हार्ट की प्रणाली को हार्ट के ऊपर जोर डालता है, जिसकी वजह से हार्ट की परेशानियां उत्पन्न होती हैं। ये आवश्यक है कि हम लोग 2 ग्राम से ज़्यादा प्रतिदिन आदत में डालें कि 2 ग्राम से ज़्यादा नमक का सेवन ना करें। उनके बचाव के लिए क्या करना चाहिए? उनके बचाव के लिए ये उचित है, उपयुक्त है कि हम सब क्या खा रहे हैं उस पर जरूर ध्यान दें। हरी सब्जियों और फलों को अपने आहार में जरूर शामिल करें। तेल मसाले की जो मात्रा है उसको हमेशा कंट्रोल में रखें। व्यायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। कम से कम 10 से 15 मिनट व्यायाम जरूर करें। और मैं सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। ये होली का त्यौहार आपके जीवन में नए रंग लेकर आए। रंगों से बचाव के लिए ये उचित है, ये जरूरी है कि बिना केमिकल वाले रंगों का प्रयोग किया जाए। आजकल जो रंग है उनमें केमिकल की मात्रा बहुत ज़्यादा है, उसको चटक बनाने के लिए केमिकल्स डाले जा रहे हैं, तो ऐसे रंगों का ना चुनाव करें बल्कि जो प्राकृतिक रंग हैं उनको अपनाएं। अबीर और गुलाल से होली खेलें। जो गीले रंग हैं उनसे ज़्यादा एलर्जी होने की संभावना है, स्किन के रोग होने की संभावना है, आँखों के क्षतिग्रस्त होने की संभावना है, इसलिए आप ऐसे रंग अपनाएं जिससे आपके शरीर पे कोई एलर्जी ना हो। धन्यवाद।